हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पेडियाट्रिक्स मेडिसिन, बेबी का जो मेडिसिन होता है, उन सभी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। कौन बीमारी में कौन मेडिसिन दी जाती है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका यूजेस क्या है, डोसेस क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। सो वीडियो एंड तक बने रहना, एंड जो जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले डॉक्टर जो जो दवाई प्रेस्क्राइब किया जाता है उन सभी को बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला है पैरासीटामोल सिरप्स, दूसरा मीफेनेमिक एसिड सिरप, तीसरा नियोपेप्टाइन, फोर्थ कोलिकेट ड्रॉप्स, फिफ्थ फिगोलैक्स ड्रॉप्स, सिक्स आइबुजेसिक प्लस, सेवेंथ सिट्रिजिन सिरप्स, एट एंटीकोल्ड सिरप। इन सभी को एक एक करके जान लेते हैं, यूजेस क्या है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला है पैरासीटामोल सिरप्स। यूजेस, पैरासीटामोल सिरप इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, जो कि बेबीज़ का, चिल्ड्रन को कोई फीवर आ जाए तो फीवर का ट्रीटमेंट में पैरासीटामोल सिरप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मीफेनेमिक एसिड सिरप। यूजेस, मीफेनेमिक एसिड सिरप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। ये भी बच्चों को का कोई फीवर आ जाए तो उस फीवर में ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है, जो कि पैरासीटामोल को कॉम्बिनेशन है, मीफेनेमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल। नेक्स्ट नियोपेप्टाइन के बारे में जानेंगे। यूजेस, नियोपेप्टाइन लिक्विड इज ए पैलेटेबल प्रिपरेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, बेबीज का डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखते हैं। इट गिव्स रिलीफ टू बेबीज फॉर कंस्टिपेशन, गैस, कोलिक पेन, एब्डोमिनल डाइजेशन आफ्टर फीडिंग, इन सभी को रिलीफ करता है। कंस्टिपेशन वगैरह हो जाए, अंदर में कुछ गैस बन जाए, उसको रिलीव करता है। फोर्थ कोलिकेट ड्रॉप्स। कोलिकेट ड्रॉप्स यूजेस, कोलिकेट ड्रॉप्स कैन बी यूज्ड इन बेबीज, चिल्ड्रेन एज एन एंटी फ्लैटुलेंट। कोलिकेट ड्रॉप्स जो कि बेबीज को एंड चिल्ड्रन को एंटी फ्लैटुलेंट्स हिसाब से यूज़ किया जाता है, यूजफुल इन इन्फेंटाइल कोलिक फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया। फ्लैटुलेंट्स, कोलिक, इन्फेंटाइल डिस्पेप्सिया, इन सभी के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा एंड अवेलेबल मार्केट में पाया जाता है। नेक्स्ट फिगोलैक्स ड्रॉप्स के बारे में जानेंगे। यूजेस, फिगोलैक्स ड्रॉप्स आर द नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर फॉर ट्रीटिंग हार्ट स्टूल इन इन्फेंट्स, जो कि बच्चों का जो स्टूल होता है उसको नेचुरल सही करने में इसको यूज़ किया जाता है। डोज 15 ml पर डे इन ए सिंगल डे और डिवाइडेड डोज। 15 ml डे में लेना है, वो डिवाइडेड करके 5 ml 5 ml करके ले सकते। नेक्स्ट
आईबूजेसिक प्लस के बारे में जानेंगे। यूजेस। आईबूजेसिक प्लस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन रिलीफ फीवर। बेबीज का पेन आ जाता है, फीवर, फीवर के साथ जो पेन आता है उसको रिलीव करने में इसको यूज़ किया जाता है। आईबूजेसिक प्लस इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू मेडिसिन, जो कि दो मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है, पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन, बोथ ऑफ व्हिच आर वाइडली यूज्ड एज पेन किलर, जो कि पेन किलर हिसाब से काम करता है। बहुत ही अच्छा एक बच्चों का पेन किलर मेडिसिन है। नेक्स्ट सिट्रिजिन सिरप्स, सिट्रिजिन सिरप्स के बारे में जानेंगे। यूजेस। सिट्रिजिन सिरप्स इज एन एंटीहिस्टामिन मेडिसिन, जो कि एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन होता है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी कंडीशन, किसी प्रकार का एलर्जी कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। इट हेल्प्स प्रोवाइड रिलीफ फॉर वेरियस एलर्जी रिएक्शन इन चिल्ड्रेन, जो कि हेल्प्स करता है रिलीफ करने में किसी प्रकार का चिल्ड्रेन को जो एलर्जी रिएक्शन होता है उन सभी रिएक्शन को रिलीफ करता है। 8 एंटी कोल्ड सिरप। यूजेस। एंटी कोल्ड सिरप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। चिल्ड्रेन में बेबीज को जो एंटी कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाए तो उस कॉमन कोल्ड में इसको यूज़ किया जाता है। एंटी कोल्ड सिरप इज़ ए कम्बिनेशन मेडिसिन, जो कि कम्बिनेशन मेडिसिन होता है, दैट इफेक्टिवली रिलीव सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सिम्टम्स को रिलीव करता है, सच एज ब्लॉक नोज, नाक ब्लॉक हो जाए, रेनी नोज में वाटर आइज, आँखों से पानी बह रहा है, स्नीजिंग, कॉन्जेशन और स्टिफनेस, कॉन्जेशन में एंड स्टिफनेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा एंड कॉमन मेडिसिन है, जो कि मार्केट में अवेलेबल पाया जाता है, किसी भी मेडिकल शॉप से आप इसको खरीद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो या फ्रेंड है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।